नमस्कार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। इस वक्त की बड़ी खबर है सुकमा से, जहां पर फुलबगड़ी थाने में 14 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इन नक्सलियों में से 6 के खिलाफ वारंट जारी था और ये नक्सली आगजनी और लूटपाट के मामलों में शामिल थे। नक्सलियों ने एसडीओ और थाना प्रभारी के सामने आत्मसमर्पण किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां 14 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर 14 जो नक्सली थे, खूंखार नक्सली, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। फूलबगड़ी थाने में इन 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन नक्सलियों में से 6 के खिलाफ वारंट भी जारी था और ये सभी नक्सली आगजनी की कई घटनाओं में शामिल रहे, लूटपाट की घटनाओं में शामिल रहे।